Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Just took the lead in the family. Credit cards and the scammers. Getting the licks in the band. Legacy. Hello guys, welcome to Rocket Learning and lecture number 5 of Religious Trends in Ancient India. लास्ट लेक्चर में हमने बुद्धिज़्म कंप्लीट कर लिया था सॉरी कंप्लीट नहीं किया था, हमने लास्ट लेक्चर में बुद्धिज़्म स्टार्ट किया था और हमने आर्य सत्यास के बारे में पढ़ा था कि 4 आर्य सत्यास क्या होते हैं और इन आर्य सत्यास को नोबल ट्रूथ्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये हमने चारों ट्रूथ डिटेल में डिस्कस किए थे, साथ में हमने पंचशील भी पढ़ा था। पंचशील जो है 5 रूल्स हैं जो हर एक बुद्ध मॉन्क को फॉलो करना पड़ता है, यानी बुद्धिज़्म फॉलो करने वाले कोई भी पर्सन को ये 5 चीज़ें पंचशील या 5 रूल्स फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध संघ के बारे में और साथ ही बुद्धिज़्म को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो बौद्ध संघ क्या होता है? ही क्रिएटेड अ संघ ऑफ भिक्खुस टू प्रीच हिज रिलीजन। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपना जो प्रीचिंग था या टीचिंग था उन्होंने कुछ लोगों को ट्रांसफ़र कर दिया और वो लोग फिर दूसरे लोगों तक पहुंचाने लगे। ऐसे ही जो बुद्धा की टीचिंग थी वो जगह जगह फैलने लगी। तो बुद्धा ने क्या किया, गौतम बुद्धा ने अपना एक ग्रुप बना लिया और ग्रुप में जो भी शामिल होते थे सबसे पहले तो उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें कहा जाता था भिक्खुस, ठीक है। अगर मेल है तो उसे कहा जाता था भिक्खुस और अगर फीमेल है तो उसे कहा जाता था भिक्खुनीस, ठीक है गाइस। फीमेल है तो भिक्खुनीस, मेल है तो भिक्खुस। तो ऐसे ही भिक्खुस का अपना एक संघ बना लिया था गौतम बुद्धा ने। और क्यों बनाया था ये संघ, ये ग्रुप? तो अपनी प्रीचिंग को लोगों तक पहुँचाने के लिए। फॉलोअर्स हु गेव अप देयर डोमेस्टिक लाइफ एंड एंटर्ड द संघ वेयर कॉल्ड भिक्खुस। अब जो भी गौतम बुद्ध के संघ में शामिल होता था उसे क्या करना पड़ता था, ऑफकोर्स अपना जो भी लाइफ है उसका त्याग करना पड़ता था और संघ में फिर वो शामिल हो सकता था। तो जो भी अपनी जो घरेलू लाइफ है उसको छोड़कर संघ में शामिल होता था उसे कहा जाता था भिक्खुस। और अगर कोई फीमेल शामिल हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, भिक्खुनीस। दे टू ट्रेवल्ड ऑन फुट लाइक द बुद्धा टू प्रीच धम्मा टू द पीपल। अब जो भी संघ में शामिल हो रहा है यानी भिक्खुस और भिक्खुनीस वो क्या करेंगे, एक साथ ट्रैवल करेंगे, अपना ग्रुप बनाएंगे और एक साथ ट्रैवल करेंगे। और क्यों ट्रैवल करेंगे, वो प्लेस टू प्लेस क्यों जाएंगे, तो अपना जो भी टीचिंग है, जो भी बुद्धा की टीचिंग है वो लोगों तक पहुँचाने के लिए। अब और एक बात जो इसमें इम्पॉर्टेंट थी वो ये थी कि देयर वॉज अ सेपरेट संघ ऑफ वुमेन। मतलब जो मेल थे सारे भिक्खुस वो उनका अलग से एक संघ था, अलग से एक ग्रुप था, जबकि जो फीमेल थी यानी कि भिक्खुनीस उनका एक अलग से संघ था। और पीपल ऑफ ऑल वर्णास एंड कास्ट शुड एम्ब्रेस बुद्धिज़्म। अब जितने भी वर्ण थे या जितनी भी कास्ट थी तो सभी कास्ट के पीपल, सभी वर्ण के पीपल को ये पूरा राइट था कि वो बुद्धिज़्म का जो संघ है उसमें एंटर कर सके, ठीक है। तो उसे कहा जाता था बौद्ध संघ। आपको समझ गया होगा कि बौद्ध संघ किसे कहा जाता है, तो इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। जो बौद्ध संघ था वो मेनली क्या था, गौतम बुद्ध ने बनाया हुआ एक ग्रुप था जिसमें हर कोई शामिल हो सकता था, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो। जो भी संघ में शामिल हो जाता था उसे कहा जाता था भिक्खु। और अगर कोई फीमेल शामिल हो रही है तो उसे कहेंगे भिक्खुनी या भिक्खुनीस, ठीक है। और ये संघ का मेन वर्क क्या था कि वो जगह जगह पर जाए और लोगों को टीच करे। गौतम बुद्ध की जितनी भी टीचिंग्स थी वो लोगों को पता है। इसेंस ऑफ हिज टीचिंग्स। अब हम गौतम बुद्ध की टीचिंग की इसेंस पढ़ेंगे यानी उसका मीनिंग क्या था, लेकिन उससे पहले हमें पढ़ना है द एट फोल्ड पाथवे। आपको नीचे दिख रहा होगा एट फोल्ड पाथवे, हमने ऊपर भी पढ़ा था कि एट फोल्ड पाथवे किसे कहा जाता है। यस, हमने यहाँ पे प्रतिपद पढ़ा था, ठीक है। जो 4 मेन ट्रुथ्स थे, 4 नोबल ट्रुथ्स थे, उसमें 4th ट्रुथ क्या था, प्रतिपद, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो प्रतिपद का ही दूसरा नाम क्या है, अष्टांगिक या फिर एट फोल्ड पाथवे। तो इस एट फोल्ड पाथवे को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसको एट फोल्ड पाथवे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें 8 रूल्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं।
किसी भी बुद्ध मॉन्क को, यानी जो भी बुद्धिज्म में शामिल होना चाहे उसे ये 8 रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहला है राइट व्यू, द नॉलेज ऑफ द 4 नोबल ट्रूथ्स। सबसे पहले तो उसके पास राइट व्यू होना चाहिए। राइट व्यू होने का मतलब ये है कि उसके पास उसे पूरी जानकारी होनी चाहिए 4 नोबल ट्रूथ्स की, जितने भी 4 नोबल ट्रूथ्स थे जो हमने ऊपर पढ़े थे, ठीक है, कि दुख, रीजन ऑफ दुख, फिर द सॉल्यूशन ऑफ दुख, और फिर 4 जो था प्रतिपद, वो सारे इसकी सब नॉलेज उसे होनी चाहिए। फिर है राइट रिजॉल्व, गिविंग अप क्रुएलिटी एक्सेट्रा। राइट रिजॉल्व का मतलब होता है वही अच्छा आचरण, कि कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए या धूर्तता को निकाल देना चाहिए, मन से सभी के साथ अच्छा बिहेवियर करना चाहिए, उसे कहेंगे राइट रिजॉल्व। फिर है राइट स्पीच, यानी जब भी कुछ हम बोले तो कभी भी बुरे शब्दों का यूज़ नहीं करना चाहिए। रिफ्रेन फ्रॉम टेलिंग लाइज, यानी झूठ नहीं बोलना चाहिए कभी भी। टेलिंग टेल्स, रूड, हार्श एंड मीनिंगलेस स्पीच, यानी कभी भी बेमतलब की बातें नहीं करनी चाहिए, हमेशा ही सिर्फ काम की बातें करनी चाहिए, और जो भी बोलेंगे वो दूसरों की भलाई के लिए होना चाहिए। फिर 4th है राइट कंडक्ट, यानी अच्छा आचरण। स्टे अवे फ्रॉम किलिंग एनिमल्स, तो एनिमल्स को कभी किल नहीं करना चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए, और चोरी नहीं करनी चाहिए, और अनकंट्रोल्ड बिहेवियर यानी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। फिर है राइट लिवलीहुड, यूजिंग ओनली द प्रॉपर मीन्स ऑफ लिवलीहुड, यानी अपनी जो ज़िंदगी है उसमें ज़्यादा लग्जरीज वगैरह नहीं होनी चाहिए, जितनी हमें ज़रूरत है उसी का यूज़ करना चाहिए। फिर है राइट एफर्ट, मेकिंग एफर्ट टू अवॉइड रॉन्ग एक्ट्स, गिविंग अप रॉन्ग एक्ट्स, अंडरटेकिंग एंड मेंटेनिंग गुड एक्ट्स, मतलब कभी भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, ठीक है, हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, और अगर सामने कोई हमारे बुरे काम हो रहा है तो उसका भी विरोध करना चाहिए। फिर नेक्स्ट इज 7th, राइट माइंडफुलनेस, बीइंग माइंडफुल टू रिमूव पैशंस एंड कंसंट्रेटिंग ऑन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वंस ओन फीलिंग्स एंड माइंड। तो अपने मन से सारे पैशंस को रिमूव करना चाहिए और कंसंट्रेट करना चाहिए अपने फीलिंग्स पे और माइंड पे। पैशंस यानी होता है बेमतलब की बातें, लाइक जो बुरी आदतें होती हैं वो सब, ठीक है, तो उनको रिमूव कर देना चाहिए और अपने माइंड को अपने कंट्रोल में लाना चाहिए। फिर इस राइट कंसंट्रेशन, एक्सपीरियंसिंग डीप मेडिटेशन विथ कंसंट्रेशन, तो हमें डीप मेडिटेशन करना चाहिए ताकि हमारा जो माइंड है वो डेवलप हो सके। ठीक है गाइस, इतना आपको समझ गया होगा कि जो 8 फोल्ड पाथवे है वो क्या है। तो ये 8 फोल्ड पाथवे में ये 8 पॉइंट्स जो हैं इम्पॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं हमारे इसेंस ऑफ हिज टीचिंग पर, जो कि लास्ट टॉपिक है बुद्धिज़्म का। इसेंस ऑफ हिज टीचिंग मतलब कि जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने जितनी भी टीचिंग्स दी थी उसका मीनिंग क्या था, और वो टीचिंग्स क्या क्या दिया करते थे, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे अभी। तो गौतम बुद्ध अनाउंस्ड द फ्रीडम ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो गौतम बुद्ध ने क्या किया, ह्यूमन इंटेलिजेंस पे जोर दिया। यानी मैंने आपको पहले बताया था कि जो वैदिक टाइम था उस टाइम पे क्या होता था, वर्ण के अनुसार लोगों को बांट दिया जाता था, और किसी भी पीपल को ये बिल्कुल भी अधिकार नहीं था कि वो अपना वर्ण चेंज कर सके। मतलब कोई अगर जैसे कोई अगर साधु के घर में पैदा हुआ है, राइट, तो उसको कोई भी राइट नहीं है कि वो जाके क्षत्रिय वर्ण को चुने या किसी युद्ध वगैरह में शामिल हो। तो ये था वर्ण सिस्टम, जो कि बुद्ध के हिसाब से, गौतम बुद्ध के हिसाब से रॉन्ग था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, ह्यूमन इंटेलिजेंस पे जोर दिया। उन्होंने क्या बताया था गौतम बुद्ध ने, कि ह्यूमन की महानता उसके वर्ण पे नहीं बल्कि उसकी इंटेलिजेंस पे, उसके काम पे डिपेंड करती है। ही रिफ्यूज द डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन थिंग्स लाइक वर्ण, नो वन इज ग्रेटर और स्मॉलर बाय बर्थ, ग्रेटनेस डिपेंड्स ऑन वंस बिहेवियर और कंडक्ट। तो गौतम बुद्ध ने क्या किया था, वर्ण सिस्टम का विरोध किया था, और उन्होंने बोला था कि कोई भी महान नहीं होता है जन्म से, तो फिर लोग महान कैसे बनते हैं, तो अपने बिहेवियर से, अपने कंडक्ट से, ठीक है। बिहेवियर और कंडक्ट का मीनिंग एक ही है। वन ऑफ हिज फेमस कोट्स इज दैट इवन द लिटिल क्वेल कैन चर फ्रीली इन हर नेस्ट। तो मेन बात क्या थी, उन्होंने एक कोट दिया था, और वो कोट क्या था कि इवन द लिटिल क्वेल कैन चर फ्रीली इन हर नेस्ट। क्वेल जो एक छोटी सी बर्ड होती है, तो
इसका मतलब क्या है कि एक छोटी से छोटी बर्ड भी अपने घोंसले में फ्रीली चर्प कर सकती है, यानी इसको हम हिंदी में मुहावरे को क्या बोलते हैं, इस कोट को, कि अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, राइट। तो वैसा ही ये कुछ मुहावरा है। तो गौतम बुद्ध क्या बोलना चाहते थे कि कोई भी किसी घर में पैदा हो गया तो वहाँ पे वो ग्रेट नहीं होता है, बल्कि उसके काम पे डिपेंड करता है कि वो कितना ग्रेट है। दिस शोज हिज थिंकिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी। तो इससे पता चलता है कि वो इक्वालिटी में बिलीव करते थे कि सभी इक्वल होते हैं लोग, वर्ण के आधार पे कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। ही प्रीच्ड दैट लाइक मैन वुमेन टू हैड द राइट टू देयर ओन अपलिफ्टमेंट। तो उस टाइम पे क्या होता था, वैदिक टाइम के जस्ट बाद मैन को बहुत ही ज़्यादा महान माना जाने लगा और जो वुमेन थी उनको कम दर्जा दिया जाने लगा, ठीक है, वुमेन हमेशा पीछे रही जाने लगी। तो गौतम बुद्ध ने इसका भी विरोध किया, उन्होंने क्या बोला कि मैन को अगर राइट है ऊपर उठने का, तो वैसे ही वुमेन को भी राइट है ऊपर उठने का। ही अपोज द रिचुअल्स ऑफ यज्ञ, हिज टीचिंग्स ऑफ विस्टम, मॉरल वर्श्यू एंड अदर वैल्यूज आर एम्ड एट द वेलफेयर ऑफ मैन। तो उन्होंने जो यज्ञ की राइट्स थी उसका फुल्ली उन्होंने विरोध किया था। क्यों विरोध किया था उन्होंने, क्योंकि बुद्धिज्म जो है, जो बुद्धिज्म है उसका हमने एक रूल पढ़ा था, हम जब पंचशील पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि एनिमल्स को किल करना बुद्धिज्म के खिलाफ है, ठीक है, नॉट टू किल एनिमल्स, ये हमने पढ़ा था। तो यज्ञ में उस टाइम पे क्या हो रहा था, वो लोग बलि चढ़ाया करते थे, किसी एनिमल की बलि देते थे, आपने सुना होगा जैसे बकरी की बलि दे रहे हैं बकरे की, या किसी और एनिमल की, कई बार तो इंसानों की भी दिया करते थे बलि। तो इस वजह से बुद्धिज्म में गौतम बुद्ध ने क्या किया, यज्ञ का टोटली विरोध किया। क्यों, क्योंकि वो एनिमल्स को किल करने के विरोध में थे। हिज टीचिंग्स ऑफ विस्टम, मॉरल वर्श्यू एंड अदर वैल्यूज आर एम्ड एट द वेलफेयर ऑफ मैन। उन्होंने जो भी टीचिंग्स दी थी उसमें से ही थी एक विजडम, एक टीचिंग थी विजडम यानी प्रज्ञा, मॉरल वर्च्यू यानी शील। तो ये सारी जो उनकी टीचिंग्स थी वो मैन के वेलफेयर में थी, यानी उनकी भलाई के लिए थी। कंपैशन फॉर ऑल लिविंग थिंग्स वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर ऑफ हिज पर्सनैलिटी। तो गौतम बुद्ध की एक फीचर क्या था, एक क्या बोलते हैं उसको, गुण बोलते हैं, है ना, क्वालिटी क्या थी उनकी पर्सनैलिटी की, उनको हर एक इंसान या हर एक एनिमल के प्रति कंपैशन हुआ करता था। कंपैशन को आप दया समझ लो, ठीक है, किसी पे दया करना उसको बोलते हैं कंपैशन। तो हर एक पर्सन के लिए उनके मन में क्या था, कंपैशन था, और ये उनका बहुत बड़ा फीचर था। फिर नेक्स्ट द टॉलरेंस, सॉरी गाइस, द टॉलरेंस प्रीच्ड बाय गौतम बुद्ध इज अ गाइडिंग प्रिंसिपल नॉट ओनली फॉर द इंडियन सोसाइटी बट फॉर ऑल मैनकाइंड इवन टुडे। तो जो टॉलरेंस गौतम बुद्ध ने टीचिंग में दिया था, ठीक है, जब वो टीच करते थे या अपनी टीचिंग्स को लोगों तक पहुंचाते थे, तब गौतम बुद्ध की ये जो टीचिंग थी ये सारी ही लोगों के लिए बहुत ही अच्छी साबित हुई, उनकी भलाई के लिए था, और इसीलिए आज भी उनकी टीचिंग्स बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसके बाद हमें पढ़ना है लोकायत के बारे में। द एंशियंट ट्रेंड ऑफ थॉट नोन एज लोकायत और चारवाक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो लोकायत या चारवाक क्या था, लोकायत का ही दूसरा नाम है चारवाक, आपको ये याद रखना है, या तो लोकायत या तो चारवाक। इट एम्फेसाइज्ड इंडिपेंडेंट थॉट एंड रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ द वेदास। अब ये जो लोकायत है या चारवाक है, ये बुद्धा की टीचिंग्स में से एक था, ठीक है, बुद्धा के जाने के बाद मतलब जब उनकी डेथ हो गई तब उसके बाद ये बहुत ही फेमस हुआ। तो इसमें बताया क्या गया था, लोकायत में या चारवाक में ये जो टीचिंग थी इसमें वेदास का टोटली विरोध किया गया था, और इंडिपेंडेंट थॉट को ज़्यादा महत्व दिया गया, ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया। इंडिपेंडेंट थॉट यानी कि हर एक पर्सन को, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, हर एक पर्सन को राइट है अपनी अपलिफ्टमेंट का, यानी ऊपर उठने का हर एक पर्सन को राइट है, ये बताया गया था लोकायत में। इन द एंशियंट पीरियड न्यू रिलीजियस ट्रेंड्स एंड थॉट्स वेंट ऑन इमर्जिंग इन इंडिया। एंशियंट पीरियड में क्या हुआ, नए नए रिलीजियस ट्रेंड्स और थॉट्स बढ़ने लगे इंडिया में। जैसे आपको पता होगा कि ऐसा कहा जाता है, हिस्टोरियंस का मानना है कि धरती पे सबसे पहले एक इंसान आया था, राइट, एक इंसान आया था, फिर उसी से पूरे ह्यूमन जो जात है उसका निर्माण हुआ। फिर तो तब जब एक इंसान आया था तब तो कास्ट वगैरह का नामो निशान नहीं होता था, तो कास्ट वगैरह कैसे बनी, तो ये धीरे धीरे बनी, ठीक है। जैसे हमने देखा कि पहले कौन है, वर्धमान महावीर है, उन्हीं से फिर जैनिज्म की शुरुआत हो गई,
फिर गौतम बुद्ध है, उन्हीं से बुद्धिज़्म की शुरुआत हो गई। तो ऐसे ही लेटर ऑन बहुत सारी इसके बाद भी कास्ट वगैरह बनी। तो लेटर जो कास्ट थी उसमें से एक थी जुडाइज़्म, फिर थी क्रिश्चियनिटी, फिर थी इस्लाम, फिर थी ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म। तो इन सब के बारे में हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग इसी को रिवाइज़ कीजिए, जितना भी मैंने पढ़ाया है उसको आप खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। जाते जाते आपके लिए अगेन एक क्वेश्चन। आज हमने बुद्धिज़्म को पूरा कंप्लीट कर लिया है और आपका क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन ये है आपको बताना है कि जो बौद्ध संघ हुआ करता था उस संघ में जो लोग शामिल होते थे उनको क्या बोलते थे। ठीक है, मैंने आपको नाम बताया था कि मेल्स को क्या बोलते थे और फीमेल्स को क्या बोलते थे, तो वही आपको कमेंट करना है। मेल्स के आगे डैश करके आंसर, फीमेल्स के आगे डैश करके आंसर, कमेंट में इसका आंसर ज़रूर दीजिए कि आप लोग। टिल देन बाय बाय, एंजॉय स्टडी।